सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द नर्स वर्ल्ड। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी मैं कल गई थी शॉपिंग करने, तो आप देखिए मैं किसके लिए शॉपिंग करने गई हूँ। सो फिलहाल मैं आई हूँ छोटे बच्चे की शॉपिंग करने, और ये मैं किसके लिए कर रही हूँ आगे आने वाले व्लॉग में आपको पता चलेगा। तो कितने क्यूट ड्रेसेस हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल बेबी गर्ल के लिए मैं ये ले रही हूँ। एक्चुअली बता ही देती हूँ आपको, मेरे भाई की बेटी हुई है, सो मैं उसके लिए लेके जा रही हूँ। और ये एक दिन पहले का वीडियो है जब मैं शॉपिंग करने गई हूँ और रेडी होके शाम को मैं निकल गई थी। सो ये एक दिन पहले का वीडियो है, और ये देखिए कितनी अच्छी सुंदर सुंदर सी ड्रेसेस हैं बेबी गर्ल के लिए। और इस छोटे बेबी के लिए मैंने ये कपड़े खरीदे हैं। सो ये मेरे भाई की कजन ब्रदर की बेटी है, सो इसी के लिए मैंने कपड़े लिए हुए हैं। और मैंने ज्यादा ब्लॉग नहीं बनाया वहाँ पे, क्योंकि सारे फैमिली मेंबर्स थे, तो हमने वहाँ काफी इंजॉय किया, बहुत ज्यादा ब्लॉगिंग नहीं करी। और कितनी प्यारी क्यूट सी गर्ल है, तो ये कुछ फोटो थी बस, मैंने वहां से पिक ही ली है। नेक्स्ट डे और मैं जा रही हूँ अपनी बेटी के स्कूल। सो आज उसका रिजल्ट आने वाला है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का, और ये है बेटी का स्कूल, ये देखिए। और यहाँ मुझे उसके नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, तो यहाँ मैं उसकी पेरेंट्स मीटिंग में आई हूँ। एंड पेरेंट्स मीटिंग के बाद मैं आ गई हूँ ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, और यहाँ मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग कर ली, वह मैंने वीडियो नहीं बनाया है। और सुबह सुबह मैंने काफ़ी अच्छी शॉपिंग वॉपिंग कर ली है, क्योंकि मुझे अभी कहीं ट्रैवलिंग के लिए भी निकलना है, तो उस पर्पज से भी मैंने शॉपिंग करी। और आप देख सकते हैं बाहर धूप बहुत ज़्यादा है, एंड अभी हम जा रहे हैं घर। अभी मैं सारा सामान लेके ग्रॉसरी का आ गई हूँ, और अभी मैं शॉप पे हूँ। और शॉप पे देखिए कुछ इस तरह से अरेंजमेंट अभी मैंने की है, बिकॉज अभी होने वाली एक मीटिंग, सो सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं, उनके साथ होगी ये मीटिंग। और मैं सुबह से आज बाहर हूँ, पहले गई नायशा के स्कूल, ग्रॉसरी का सामान लिया, आज हमने नाश्ता भी बाहर किया, एंड अभी बस बैठे हैं, वेट कर रहे हैं फ्रेंड्स आ जाए कि सारे उनके साथ मीटिंग होगी। और आज नायशा का रिपोर्ट कार्ड मिला है, नायशा के बहुत अच्छे नंबर हैं, सारे टीचर्स ने इसकी तारीफ करी है कि बहुत अच्छा कर रही हैं ये, और काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। दिखाया था तुमने अपना रिपोर्ट कार्ड? अभी नायशा का रिपोर्ट कार्ड नहीं है, उसमें नहीं दिखेगा। फिलहाल नायशा के 86% है, अच्छा प्रोग्रेस किया है इन्होंने, इनकी सारी मैम्स जितनी थी सब बड़ा अच्छे से तारीफ कर रही थी कि नायशा काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है, पढ़ने में बहुत अच्छी हो गई है। तो हे गाइस, और अभी हो रहा शाम का 8:30, और आपने देखा अभी दोपहर में हमारी फ्रेंड्स की मीटिंग थी, पता नहीं मैंने व्लॉग बनाया है कि नहीं बनाया उसका, शायद नहीं भी बनाया है। तो दिन भर फ्रेंड्स की मीटिंग थी, उसके बाद शॉप पे काम भी आ गया, सो अभी मैं फ्री हुई हूँ 8:30, और बिल्कुल भी ताकत नहीं थी कि मैं कुछ बनाऊं, सो मैंने ऑर्डर किया है थाली, ये देखिए वेज थाली, और देखते हैं इसके अंदर क्या है। पहली बार मैंने इस रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया, और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। कुछ इस तरह की थाली आई है, सो मैं देख लूँ कितनी रोटीज आई हैं, हमारी नायशा की, मेरी नायशा की हो जाएगी, वाह फुल रोटी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आया है खाना, और मैं नायशा जब भी अकेली होती हूँ तो मोस्टली हम लोग खाना मंगा लेते हैं। और ये रहा पूरा खाना, जिसमें है दाल, शाही पनीर, मिक्स वेज, राइस, एक मीठा और नींबू और प्याज। तो चलिए शुरुआत करते हैं खाने की, और टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा है। टक कर दो।
अभी के आने के बाद हम लोग ऐसे ही घर पे बैठे हुए थे, तो सोचा चलिए थोड़ा सा बाहर आउटिंग के लिए जाते हैं। मैं घर के ही कपड़े पहन के बाहर आ गई और यहाँ मैंने आज फर्स्ट टाइम ट्राई किया है चॉकलेट पान, और ये खाने में बहुत अजीब टेस्ट था। ऊपर तो चॉकलेट थी बट अंदर पूरा ग्लूकन, मीठा मीठा, बहुत कुछ ज़्यादा ही मीठा था और मुझे बड़ा अजीब लग रहा था खाने में, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया तो बहुत ही अजीब था। सो गाइस, मेरी यहाँ पैकिंग चालू हो गई है और ये सारे ही कपड़े मैंने कर लिए हैं पैक, और आप गेस करके बताओ मैं कहाँ जा रही हूँ। सो यहाँ मेरा मेकअप पाउच, सो मेकअप पाउच भी रेडी हो गया है बस, और आप गेस करके बताइए मैं कहाँ जा रही हूँ। सो यहाँ मैं पैक करने के लिए बना रही हूँ आलू के पराठे ट्रैवलिंग में ले जाने के लिए। यहाँ मेरा बन गया और फास्ट फास्ट में बना ले रही हूँ। ये रहा मटेरियल, आलू और पनीर के पराठे जो कि रास्ते में खाने के लिए, और अचार मैंने पैक कर लिया है। सो इसी को लेके जाऊंगी, उधर दूर से दिखाओ। सो जल्दी जल्दी बना ले रहे हैं, और क्योंकि अभी हम लोग की ट्रेन है 3 बजे की, और अभी हो रहा है 3 बजे नहीं 5 बजे, 5 बजे की है बट जल्दी जल्दी जाना, 4 बजे तो निकलना ही है। हाँ। 4 बजे निकलना, उससे पहले तैयारी करके सारा सब कुछ पैक हो गया है। बस खाना इसलिए मैं लेट थोड़ा सा बना रही हूँ क्योंकि रात के लिए मुझे पैकिंग करनी है, और दिन में तो हम खा लेंगे जो भी, क्योंकि हम पहुंचेंगे सुबह 5 बजे जहाँ हम जा रहे हैं, तो वहां पहुंचेंगे सुबह 5 बजे, इसलिए रात का खाना रखना जरूरी है। और बस जैसे जैसे तैयारी होती रहती है आपको दिखाती जाती हूँ। फिलहाल के लिए बनाते हैं आलू के पराठे गर्मा गर्म। यहाँ हमने ले ली है ओला और उससे जा रहे हैं, ऑटो कैब ले ली है और स्टेशन के लिए निकल रहे हैं। इस तरह से रेडी हो गए जल्दी जल्दी, और अभी आप देख रहे हो अभी शायद 4 o'clock हो रहा है एंड हमारी 5 बजे की ट्रेन है, तो थोड़ा सा लेट हो गया इसलिए थोड़ी टेंशन हो रही है एंड ज़्यादा मैंने ब्लॉग नहीं किया। अब मेरी500 किलोमीटर है कलकत्ता से, तो जाओ तो फाइनली हम लोग ने चाय पी लिया, फोटो सेशन चल रहा है ट्रेन में, करें क्या, फोटो ही खींच लें। खूब सारी फोटो खींच ली हम लोगों ने, आशा की अभी की। इस तरफ तो चाय अच्छा, रात का हो रहा है 8 बज रहा है और नाशा खा रही है आलू पनीर के पराठे हम लोग भी अचार के साथ में फाइनली हम आ गए हैं, और आपको पता चल गया होगा बैकग्राउंड देख के कि मैं आ गई हूँ गोरखपुर, और गोरखपुर में मैं आपसे आपको मिलवाती हूँ कुछ नए सदस्यों से जो पहले आपको नहीं दिखे थे। तो चलिए आइए मैं मिलवाती हूँ आपसे जो नए आए हैं गोरखपुर में इस बार, तो इनको तो आप जानते ही हैं और इनको भी आप जानते ही हैं। हेलो करो, और मिलिए हमारे घर के नए सदस्य से। तो ये रहे, और ये है ब्लैक सी का बेटा, तो जो हमारी पेट है उसका ये बेबी हुआ है और इसका नाम है मैक्स। हेलो मैक्स, हेलो मैक्स, हेलो। सो उसका एक ये बेटा है और एक ये बेटी है, ये थोड़ी सी कमजोर हुई है, तो ये देखिए ये अपने खाने में लगी हुई है, और ये देखिए ओह शिट, ये सो इस बार हम लोग आकर इनसे मिले हैं नए नए, और ये बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल हाथ पैर इसके ब्राउन है, ब्राउन है और पूरा ब्लैक है। रहने दो। तो बहुत दिनों बाद आज मैं आपको फिर से
टिफिन की अनबॉक्सिंग दिखा रही हूँ कि क्या आया है आज टिफिन में मैस से खाना। तो ये देखिए पूरा टिफिन आ गया है एंड देखते हैं क्या है। फर्स्ट राइस, ओके, सेकंड में भी राइस है एंड ये रही क्या है आलू परवल की सब्जी। देखिए देखने में तो बहुत अच्छी डिश लग रही है एंड है दाल। सो उसके अलावा फर्स्ट डे मैंने बनाया है ये देखिए पनीर की सब्जी और राइस, ये मैंने घर पे बनाया है। तो आज का हमारा लंच होने वाला है ये। तो आज डिनर में आया है हमारे लिए गर्मा गर्म बाटी चोखा। ये देखिए ये है बाटी और बिल्कुल हॉट है और हमारे आने की खुशी में बनी है खीर बाटी चोखा। एंड इसमें क्या है आई डोंट नो। सो टिफिन अनबॉक्सिंग आपके साथ। सो दिस इज ओ माय गॉड भरता चोखा। सो ये रहा बाटी चोखा, बहुत टेस्टी बहुत डिलीशियस बना। ये हमारा आज का डिनर।